नमस्कार दोस्तों, वीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे कि पेपर 7 का जो हमारा भाग 2 है उसमें जो हमारी कल्याणकारी योजनाओं का पार्ट है वो हमारा कवर होगा, और साथ ही साथ आने वाले जो सी जी पी एफ एम के या अन्य किसी भी राज्य स्तरीय पेपर में जो करंट अफेयर्स का भाग होता है या जो ऐसा भाग होता है जिसमें सामान्य ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें इन योजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की, वर्तमान सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये योजना हम जो ये योजना का पार्ट आज हम करने वाले हैं, इसमें हम तीन मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला उद्देश्य, दूसरा इसका प्रारंभ, और तीसरा इसमें प्रावधान या लाभ क्या क्या हैं। तो पहली योजना है हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसका प्रारंभ हुआ है 21 मई 2021। यदि हम कोई ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं तो उसमें आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ किसी भी योजना का। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ है 21 मई 2021। ये राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब है, और दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ कब से हुआ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन यदि आप कर रहे हैं तो उसको आप कई तरीके से उसको आप देख सकते हैं कि आपके लिए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कभी भी ऐसा कोई भी योजना या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें से दो तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं तो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो इसका प्रारंभ हुआ 21 मई 2021 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि रकबे में वृद्धि करना। हम जानते हैं हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो राज्य है वो लगभग 76 से 80% तक कृषकों का राज्य है। तो इसलिए किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना और उनके रकबे में, कृषि रकबे में वृद्धि करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई गई है। दूसरा, इस योजना को लाने का कारण था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो कृषिगत लागत मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें किसी भी फसल के लिए जो निर्धारित फसलें होती हैं जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, उससे अधिक में यदि आप राज्य सरकारें यदि उससे अधिक में समर्थन मूल्य में खरीदी कर रही हैं, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक में, तो उसको लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी उसी का निदान करने के लिए इस योजना को लाया गया था। इस योजना के लिए चार चरणों में, चार किस्तों में राशि जो लाभान्वित किसान है उन्हें देने की योजना दी गई है। इसके तहत 5750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसमें जो फसल शामिल है वो है धान, मक्का और रबी की गन्ना की फसल। 2020-21 में दलहन और तिलहन को बीच में शामिल किया जाना है, मतलब 2020 और 2021 में इसका जो दायरा है इसे बढ़ाकर दलहन और तिलहन बीच में शामिल किया जाएगा। योजना का जो दूसरा चरण है उसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूर को भी इसमें शामिल करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये पूरी योजना है। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में आपसे 60 शब्दों में या 30 शब्दों में लिखने को आता है तो आप इसे मुख्य तीन बिंदु में बांटेंगे, प्रारंभ करेंगे, उद्देश्य बताएंगे और लाभ और इसके प्रावधान बताएंगे। यहाँ पर आप इसको किसी भी योजना को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी यदि मैं योजना की बात करूँ तो वो योजना है गोधन न्याय योजना। यह भी कृषि क्षेत्र से और कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना का प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को यदि हम देखें तो ये इस साल जो भारतीय तिथि अनुसार है, इस साल 20 जुलाई को हरेली का त्यौहार पड़ा था, और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कृषकों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है, एक बहुत बड़ा पर्व है हरेली। गोधन न्याय योजना, जैसा कि ये बहुत चर्चा का विषय है अभी पूरे देश में, अभी जो वर्तमान में एक संसद की समिति आई थी उसने भी इस योजना को बहुत सराहा है छत्तीसगढ़ सरकार की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना को यदि आप देखें तो गोधन जो बोल रहा है, गोधन में इसका मतलब है कि जो गाय का जो गोबर होता है, जो अपशिष्ट होता है, उससे
उसे हम पशुपालकों से या कृषकों से खरीद कर और उसे फिर वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाकर वापस हम खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद को हम प्रयोग करें। और इसके दो लाभ हमको दिखाई देते हैं। पहला लाभ कि पशुपालकों को गोबर खरीदी के द्वारा जो पैसा मिलेगा तो उनका एक आर्थिक फायदा होगा। दूसरा, रासायनिक खाद की जगह हमें जैविक खाद के लिए हम जो किसान हैं उसे हम जैविक खाद भी कम दरों में दे पाएंगे, जिससे कि हम जैविक खेती को भी बढ़ावा देते हैं। तो इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य है रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना। तीसरा, गोपालन और गो सुरक्षा और पशुपालकों को लाभान्वित करना। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम भाग चार देखें संविधान का, तो उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें एक जो क्लॉज है वो है कि हमें गोवंशीय या हमें गोरक्षा की दिशा में भी काम करना है राज्य को। तो उस उद्देश्य से भी हम देखें तो गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। अब इसके प्रावधान और लाभ क्या क्या हैं, तो यदि मैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की बात करूं तो उसके अनुसार 6,299 गौठानों की स्वीकृति सरकार ने दी है, जिसमें से 3,661 गौठानों द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। राज्य में लगभग 1,92,000 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें से 1,02,232 लाभान्वित किसान हैं। खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों के माध्यम से जो गौठान है, गौठान में इसकी खरीदी होनी है, इस गोबर केंद्र जो बनाया गया है वो गौठानों में बनाया गया, और वहाँ पर स्व सहायता समूह के माध्यम से स्व सहायता समूह जो है इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करेगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो जैविक खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें केंचुओं के द्वारा गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो इस वर्मी कंपोस्ट की जो बिक्री है वो सरकार पुनः स्व सहायता समूह से खरीदेगी 10 रुपये प्रति किलो में। तो और इसे नाम दिया गया है गोधन वर्मी कंपोस्ट। तो ये है गोधन न्याय योजना। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट योजना की बात करें तो अब हम देखेंगे स्वास्थ्य की योजनाएं, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। इसमें से जो पहली योजना की हम बात करेंगे वो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। योजना का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2019 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, शहरी स्लम, शहर के ऐसे क्षेत्र जो गरीब और मलिन क्षेत्र होते हैं, जहां पर स्वास्थ्य जो वहां के निवासरत लोग हैं वहां तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसके प्रावधान क्या क्या हैं, तो इसे वर्तमान में जो राज्य के 13 नगर निगम हैं उसमें क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर एवं उपचार और दवाई का वितरण किया जाना है। द्वितीय चरण में इस योजना का जो विस्तार है वो सभी नगरों में कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी 168 नगरों में इसका क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना की यदि हम बात करें तो अब हम बात करेंगे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है वहाँ पर मलेरिया से प्रकोपित होने वाले जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर मलेरिया से मृत्यु दर भी बहुत सर्वाधिक होती है। तो इस योजना को लाने का उद्देश्य है बस्तर संभाग में मलेरिया एनीमिया कुपोषण मुक्त करने एवं शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना का जो पहला चरण है वो है 15 जनवरी से 23 फरवरी और दूसरा चरण है 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक। तो प्रारंभ इसका 2 चरणों में है। पहला है 15 जनवरी से 23 फरवरी, दूसरा चरण है 6 जून से 31 जुलाई। इसके प्रावधान या लाभ हम देखें तो 15 जनवरी से 23 फरवरी तक 14,06,000 लोगों की जांच की गई है, और इस दौरान जो मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें मौके पर ही इलाज कर दवाइयाँ दी गई हैं। दूसरे चरण में 23,75,000 लोगों की जांच की गई है और 30,076 मलेरिया पीड़ितों का उपचार किया गया है। यदि हम इस योजना की यदि हम लाभ की बात करें तो 65% से अधिक की कमी आई है, ये इम्पॉर्टेंट है। बस्तर संभाग में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में 65% से अधिक की कमी आई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम मेंस के हिसाब से इसे देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आंकड़ा यदि आप इतना भी लिखते हैं तो ये इस योजना को बहुत ही प्रभावी आपका आंसर बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो
हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सुपोषण मतलब ये कुपोषण को, छत्तीसगढ़ राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए बनाया गया अभियान है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 में प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषण से ग्रसित थे और 15 से 49 वर्ष की लगभग 47% महिलाएं जो थी वो एनीमिया से पीड़ित थी। इसे ही कम करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और अगले 3 वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति इसके माध्यम से तैयार की गई है। इसका जो प्रारंभ है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रारंभ है 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की जयंती से। यदि हम इसके लाभ की बात करें तो योजना शुरू होने के समय एक वजन त्यौहार होता है, पहले होता था, तो जो वजन त्यौहार था उससे हमें ये पता चला, ये वजन त्यौहार में बेसिकली ये होता था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में एक निर्धारित तिथि में वजन त्यौहार किया जाता था और आसपास के जितने बच्चे हैं उन्हें वजन किया जाता था उनका, जिससे पता चलता था कि यदि कोई बच्चा बहुत कम वजन का है तो उससे पता चलता था कि ये कुपोषण का शिकार है। तो इसी प्रकार जो डेटा सरकार के पास इकट्ठा हुआ उसके अनुसार प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। वर्तमान में इसमें से 67,000 बच्चे अब कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार यदि हम प्रतिशत में बात करें तो 13.79% की कमी कुपोषित बच्चों में आई है। इस योजना के तहत 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 25 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया है। अब एक इसमें शब्द आया है, रेडी टू ईट, ये क्या है? रेडी टू ईट, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, ये एक ऐसा पोषक आहार है जो स्व सहायता समूह द्वारा राज्य सरकार स्व सहायता समूह के माध्यम से हितग्राही को बंटवाती है। ये जो रेडी टू ईट होता है, ये इसमें मुख्यतः बहुत पौष्टिक चीज़ें होती हैं जो कुपोषण से और एनीमिया से लड़ने के लिए बच्चों और महिलाओं को दी जाती हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में जो गरीबी रेखा से नीचे के निवासरत नागरिक हैं वो बहुत अधिक संख्या में है और उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पौष्टिक आहार भी ले पाएँ, जिसके कारण यहाँ कुपोषण या कुपोषित बच्चों की या एनीमिया से ग्रसित महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए सरकार उन्हें रेडी टू ईट देती है जिसके द्वारा उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके। यदि हम पिछले साल जो कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ उसमें देखें तो इसमें भी योजना बहुत कारगर रही और लगभग 2,84,000 बच्चों और महिलाओं को सूखा राशन और 2,36,000 बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण इस योजना के माध्यम से किया गया। एनीमिया प्रभावितों को इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और कृमिनाशक गोलियां इस योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। तो ये है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें यदि आपको आंकड़ा लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि लगभग 13.79% कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। ये आपका मेन की लाइन इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट है दाई दीदी क्लिनिक। इसे सरकार ने महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल करार दिया है। तो यदि आप महिला सशक्तिकरण के बारे में लिख रहे हैं तो भी आपको छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो ये है दाई दीदी क्लिनिक। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क उपचार मुहैया कराना। प्रारंभ हुआ है इसका 19 नवंबर 2020 को। इट्स इम्पॉर्टेंट है डेट। प्रारंभ हुआ है इसका 19 नवंबर 2020 को। प्रावधान और लाभ क्या है इसके? दाई दीदी क्लिनिक, जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये महिलाओं के लिए ही है। इसमें डेडिकेटेड महिला स्टाफ रहेगी जो महिला श्रमिकों और बच्चियों को निःशुल्क उपचार और परामर्श देगी। ये देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नगर निगम रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में एक एक क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। जो हमने पहला स्वास्थ्य का योजना पढ़ा, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, उसी के अंतर्गत ये योजना है दाई दीदी क्लिनिक। और वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 नगर निगम रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में इसका संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना की यदि मैं बात करूँ, नेक्स्ट है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है और बहुत चर्चित योजना है ये। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा हैं और उनके नाम पर इस महती स्वास्थ्य योजना का नाम रखा गया है। इस योजना का प्रारंभ जो है वो 1 जनवरी 2020 को किया गया। इम्पॉर्टेंट है डेट, याद रखना है आपको, 1 जनवरी 2020 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालयों
और अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। इस योजना के प्रावधान या लाभ की हम बात करें तो सिंपल तरीके से आप इसे ये समझ सकते हैं कि इसमें जो बीपीएल या एपीएल कार्ड धारी, चाहे वो जो भी हो, यदि वो छत्तीसगढ़ राज्य का नागरिक है तो उसे निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में और अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी। राशि इसकी अलग अलग होगी। यदि नागरिक बीपीएल कार्डधारी है तो उसके लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, और यदि एपीएल का नागरिक है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर का व्यक्ति है, तो उसे 50,000 रुपये की स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी। तो इसके प्रावधान या लाभ में हम यही देखेंगे। प्रदेश में 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं। बीपीएल के 56 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये एवं 9 लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50,000 रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके यदि हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से अब तक 3,20,783 लोगों को उपचार मुहैया कराया जा चुका है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, पूर्व की जितनी भी योजनाएं थी उससे इन सब में मर्ज करके इसे एक योजना बना दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र है, और यहाँ पर चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दक्षिण छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर हाट बाज़ारों का बहुत ज़्यादा अपनी एक विशेषता रखते हैं, जहाँ पर सभी गांव के लोग आकर एक जगह पे हाट या बाज़ार में अपने ज़रूरत के सामान खरीदते हैं। यदि हम उत्तर या दक्षिण क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अभी तक वर्तमान समय में भी नहीं पहुँच पाई है। वहाँ के दुर्गम और भौगोलिक विशेषताओं के कारण ऐसा करना अभी भी सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा वहाँ नहीं पहुँचा पाई है, उसका एक कारण है वहाँ की भौगोलिक बनावट। तो उससे निदान पाने के लिए कि वहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं उन्हें हम कैसे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें, उसके लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से हुआ है। अब आपके पास पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई, तो वो है सन 2019। ये इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य आप देखें तो उद्देश्य इसका, जैसे मैंने आपको बताया, हाट बाज़ारों के माध्यम से वन, पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजाति समूह तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक इनकी पहुँच आसान करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रावधान या लाभ हम देखें तो हाट बाज़ारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मातृ व शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी करना और इस योजना के माध्यम से कमी हो भी रही है, महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी करना, कुपोषण और एनीमिया से ग्रसित जितने भी हम मामले देखते हैं उसमें ऐसे मामले जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच नहीं है, वहाँ पर ऐसे महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है, इसलिए इस योजना का जो लाभ है वो ऐसे ग्रामीणों को भी मिल रहा है। इस योजना के यदि हम आंकड़ों की बात कर लें तो इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत लगभग 12,12,564 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपको आंकड़ों में नहीं जाना है, लेकिन आंकड़े मैंने इसलिए बता दिए हैं कि वर्तमान में जब अभी मुख्य परीक्षा का पेपर होगा तो ये इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है, तो उसे भी आप, यदि आपको याद है और आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसी का भाग दो होगा, जिसमें हम कुछ और अन्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।